कल फिश मार्केट से जो सुटकी खरीदा था आज उसको ट्राई करेंगे। मुझे बहुत ही मन था यहाँ आके कोई मणिपुरी डिश खाने का, तो अमिता एक्चुअली मणिपुरी है तो इसलिए आंटी ने बना के दिया मणिपुरी डिश। बहुत सारा आइटम है, ये इसका फेवरेट है। इसका नहीं, सिर्फ मेरा नहीं, जितना भी मणिपुरी है सबका ये फेवरेट है। इसे बोलते हैं लॉन्ग चक। एक डेढ़ महीने बाद ये और मोटा होता है, अंदर में सीड रहता है, ठीक है। अच्छा, ये छोटा छोटा सीड है, वो अभी पता नहीं चलेगा। अभी तो ये सीड मतलब इतना छोटा सा है, ये बाद में इतना मोटा हो जाता है। उस टाइम वो सीड को खाते हैं, इसके बाद। लेकिन अभी क्या है, अभी ये बहुत नरम है, तो अभी छोटा है इसलिए पूरा कोई खाते हैं, खा सकते हैं। ये जो काट काट के कच्चा खा सकते हैं, फ्राई करके, फ्राई करके खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं। कच्चा होने से ज्यादा कड़वा होता है, अच्छा। फ्राई करने थोड़ा कड़वाना से थोड़ा कम। तो अभी क्या इसको क्या कर खाएंगे, दिखाने के लिए लाया बस। पहले ये ट्राई करो इरलपा के साथ चावल। चावल तुम पहले थोड़ा सा लेके ट्राई करो, मतलब उंगली लेके थोड़ा वो कर दो। हाँ बस थोड़ा सा ले लो प्लेट में। ये है शायद ये तो वो लॉन्गचक है, ये वाला। हाँ बॉयल किया, बॉयल करके डाला इसके अंदर, इसके साथ थोड़ा इसको मिला। ये राइस के साथ ट्राई करो, राइस के साथ थोड़ा झोल लो इसका थोड़ा सा। तीखा होगा हल्का सा, अच्छा है। थोड़ा खट्टा है, थोड़ा स्पाइस है, नॉर्मल एकदम। मिर्ची थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हाँ तुम जाल नहीं, तीखा नहीं खा पाओगे, इसलिए कम देने बोला था। हाँ लेकिन अच्छा है ये। और कौन फिर दूसरा ट्राई करते हैं? ये एक्चुअली इसके चावल जब खाते उसके साथ ही ये डायरेक्ट मुंह में लेके खाते हैं, मतलब। अच्छा अच्छा, डायरेक्ट चावल के साथ, चावल के साथ। अच्छा नहीं तो ये थोड़ा करवा होगा, ये थोड़ा डालो इसको। डाल लिया। हाँ। तो इसको पहले थोड़ा लेते हैं मुंह में। हाँ और ये फिश लो। हाँ ये तो अच्छा है। हाँ ये जलाते हैं ना। हाँ बर्न करके डायरेक्ट आग में। हाँ ये तो मतलब अच्छा है, बारबेक्यू टाइप का है, इसमें मसाला नहीं है सिर्फ। हाँ मसाला नहीं है, नहीं तो बारबेक्यू टाइप का है ना। हाँ। और ये भी थोड़ा खा के देख सकते हो, ये जो। हाँ पहले तो राइस कर, भट्टा एक बेसिक करो ना, टेस्ट उठता हुआ। पूरा डुकी देखो, थोड़ा तीता तीता लगेगा, थोड़ा ड्राई फिश है ना, पूरा पूरा जला हुआ ड्राई फिश है। टेस्ट बिगड़ गया मुँह का। बिगड़े इससे मुझे ज़्यादा ये अच्छा लगा खाने में। हाँ मैंने इसको एक्चुअली बोला कि ये जो है ये थोड़ा सा लेना है, पूरा इसने पूरा डायरेक्ट मुँह में डाल दिया, तो टेस्ट बिगड़ गए। मुझे ये ज़्यादा पसंद आया, ये इसको इसको ये ज़्यादा पसंद आया, ये इसको साथ। हम लोग बिष्णुप्रिया मणिपुरी इसको ज़्यादा ऐसे फ्राई करके खाते हैं, फ्राई करके नहीं जला के खाते हैं, तो बाकी लोग ऐसे जला के नहीं खाते, बाकी ऐसे चटनी बना के खाते हैं, ऑयल वेल देके। तो ये चीज़ ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, सिर्फ ये पूठी का थोड़ा ज़्यादा खा लिया था इसलिए थोड़ा कड़वा लगा। हाँ नहीं तो ये भी ठीक है। और अभी एक काम करो, अभी ये ले लो थोड़ा तुम ये। हाँ ये मतलब इतना ही काफी है, ये बहुत तीखा होगा, बहुत ये देख के लग रहा है कि ये पूरा मिर्ची है ना। तो अभी चावल राइस मुंह में जाएगा, फिर उसके बाद ये जाएगा मुंह में। ये तीखा ये बहुत तीखा होगा। हाँ
ऐसे ही मैं दिखा नहीं खाता हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिख रहे हो। त्रिपुरा का मिर्चा ज्यादा दिखा होता है। हाँ। लेकिन यहाँ के जो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बंगाली है हाँ। इस टाइप से नहीं खाते ड्राई फिश को। सब्जी थोड़ा इसका चटनी टाइप का मैक्सिमम चटनी टाइप का बना के खाते, लेकिन हम लोग भी इसमें मना भी ऐसे सिर्फ मिर्ची और ड्राई फिश। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ मिर्ची ड्राई फिश नमक थोड़ा सा पानी और कुछ भी नहीं है। और मिर्ची बहुत सारा, ड्राई फिश छोटा सा छोटा सा। अभी ये खाओ, ये तो बिना मिर्ची का सिर्फ ड्राई फिश है। अच्छा इसका ही मतलब इसमें मिर्ची नहीं है, इसमें मिर्ची नहीं है। तो आंटी ने ये बनाया था मेरे लिए जिसमें मिर्ची उतना नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा लेके खाते हैं। नो ये फिश है, ये ड्राई फिश है। हाँ हाँ हाँ, अरे बेसी नहीं ले तो तीता हो जाए। एक टू एक टू ना भी माना, एक टू एक टू तीता होएगा सर। तीता होने ना, ठीक है सर, ठीक है। इसके ये खाना है चावल। हाँ। फिर ये एक दो पीस एक साथ मत डाल देना अंदर। एक पीस लेना सिर्फ। हाँ। एक पीस टेस्ट इसका सबको अच्छा नहीं लगता। नहीं इसमें अभी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें वो सीट अभी तक नहीं है। हाँ। तो पहले जब अमित दा खाता था इसका सीट, तो मतलब इसका जो स्मेल है हम लोग रह नहीं पा रहे थे। लेकिन ये अभी फ्राई करके अच्छा लग रहा है, ऐसे वो सीम जैसा है, बीन्स जैसा है। हाँ। टेस्ट है। हाँ। अच्छा है। और एक पीस खाओ फिर। अभी तो ये तो बॉयल है, ये बॉयल सब्जी के साथ करी वरी के साथ ही खाते हैं हम लोग। एक चीज़ अच्छा क्या लगा, ऑयल बिल्कुल नहीं है। मतलब ऑयल देता है क्या? ऑयल नहीं देता है ना, नहीं देता किसी में भी ऑयल। फिश में थोड़ा सा, सिर्फ ये इलिश में ऑयल है, बाकी सब बॉयल है। ये बॉयल अच्छा है। ये भिंडी, भिंडी तो मैं खाता ही बॉयल। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, कल जैसे मैं वो मार्केट में जब गया था, मैं अमिता को बोल रहा था कि नहीं ये बदबू है, खुशबू नहीं है, खुशबू नहीं है। लेकिन आके जब ट्राई किया, एक्चुअली मैंने कभी ट्राई नहीं किया, वो स्मेल मतलब आता था तो मैं भाग जाता था। लेकिन अभी आज जो ट्राई किया मुझे अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि खा नहीं सकते, अच्छा है। सबसे अच्छा लगा ऑयल नहीं है, ये सबसे अच्छा लगा मुझे। तो मणिपुरी डिश ट्राई किया। त्रिपुरा आ रहे हो तो मणिपुरी डिश ट्राई करो कभी। किसी के घर में या होटल में मिलता है क्या मणिपुरी डिश? हाँ, किसी किसी होटल में। हाँ, किसी किसी होटल में अगर मिलता है तो होटल में ट्राई करो, अच्छा लगेगा। बॉयल थिंग्स खाना बहुत ही अच्छा है। हाँ। चलो खा लेते हैं पहले। अभी तो मणिपुरी डिश खाए और लंचक नहीं खाए तो क्या खाए? क्या खाए? नज़दीक है। अच्छा, यहाँ से और 1 किलोमीटर बाद हम लोग बांग्लादेश बॉर्डर पहुँच जाएंगे। ये गांव से होते हुए हम लोग जा रहे हैं कि गांव का जो व्यू है। हाँ, गांव के अंदर अंदर होके जा रहे हैं। सामने रास्ता छोटा हो जाएगा और दोनों साइड में जमीन होगा, वो अच्छा लगेगा। अच्छा। वो दूसरा और भी रोड जाता है उधर, तो मतलब मेन बड़ा बड़ा रोड है। अच्छा, विलेज के अंदर से जाने का एक अलग ही मजा है। तो विलेज से होते हुए जाएंगे और देखो त्रिपुरा का विलेज, एक छोटा सा विलेज। ये सब पूरा अच्छा लगता देखने में। हाँ हाँ, अभी मतलब सब कुछ उठा लिया, अभी कुछ है नहीं तो सिर्फ घास है। तो ये सब जगह में एक्चुअली जो रोड है, रोड के दोनों साइड में जमीन है। हाँ। और जमीन में पहले जब खेती बाड़ी का टाइम होता है। हाँ। उस टाइम धान वन लगाते थे, मतलब चावल का खेती होता था, चावल का खेती होता। हाँ। था। तो अभी तो जैसे टाइम नहीं है, चावल सब काट दिए, धान अच्छा सब काट दिया गया है, तो अभी पूरा सुनसान बंजर जमीन लग रहा है। देखे ना मिस्टी है, मिस्टी भाई जाओ লঙ্কার গুঁড়ো আর লবণের সাথে খাবো। দারুণ লাগবে লঙ্কা, লবণ মরিচের লবণ লইয়া। বড়ই 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 বেরি কুল কুল বেরি ও একই চিজ হ্যাঁ। আমরা সিলেটি মে বলতে বড়ই। হ্যাঁ।
तो यहाँ से बांग्लादेश बॉर्डर का पहला झलक दिखाई देता है जो अभी गोप्रो में समझ में नहीं आएगा। हाँ नजदीक जाना पड़ेगा। तो तीनों साइड पे है बांग्लादेश बॉर्डर त्रिपुरा का। तो तीन चार दिन हम लोगों ने घूमा, जितना भी साइड पे गया नजदीक बॉर्डर था। कस्बा टेम्पल वहाँ पे भी बांग्लादेश बॉर्डर था, फिर डुम्बुर लेक गए थे वहाँ पे भी बॉर्डर था, और अभी आज धर्मनगर पे है यहाँ पे भी बॉर्डर है मिजोरम बॉर्डर, मिजोरम के थ्रू इंडिया के साथ। मणिपुर है क्या उसके साथ? मणिपुर त्रिपुरा का बॉर्डर नहीं है, मणिपुर मणिपुर बॉर्डर नहीं है। अच्छा आसाम और मिजोरम के साथ। तो ये तार का जो फेंसिंग है, तो ये है इस तरफ है इंडिया और उस तरफ है बांग्लादेश। चूंकि धर्मनगर में जो लैंग्वेज बोला जाता है उसमें स्लेटी लैंग्वेज का एक एक्सेंस है। बेसिकली मुझे देखना था बांग्लादेश बॉर्डर यहाँ से कैसा दिखता है, तो इसीलिए हम लोग निकले हैं। अभी यहाँ से बॉर्डर देख के हम लोग जाएंगे, यहाँ पे चाय का बगीचा है, टी गार्डन है। उस तरफ है मोरैछड़ा इको पार्क और फुलतला बस्ती। तो ये सब नाम मैंने नेट पर देखा, ये सब इलाका है उस तरफ। तो यहाँ पे देख पा रहे हो एक चेक पोस्ट है, सिक्योरिटी फिलहाल नहीं है, और ये लाइट पोस्ट रात को जलता है लाइट, ये बहुत सारा लाइट पोस्ट है यहाँ पे। तो जाते जाते एक भैया से मिले, भैया इस बॉर्डर के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल्स बता सकता है। तो भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कमरुल हक। कमरुल हक, हाँ जी। ओके ओके, तो इस बॉर्डर का क्या मतलब डिटेल्स थोड़ा, यहाँ पे लोग जा सकते हैं क्या इससे? भैया एक्चुअली यहाँ के लोकल है, लोकल बगल में ही है। हाँ। तो हम सबसे ज्यादा नॉलेज इनको होगा, मतलब सुबह 6 बजे से 4 बजे तक हमारा वो एक परमानेंट कार्ड होता है, कैंप से बनाना पड़ता है। बीएसएफ कैंप जाके जो लोकल है उसको एक कार्ड मिलेगा, तो उस कार्ड दिखा के अंदर जा सकता है। बस सुबह मतलब गोरु चढ़ाने जाना है बा खेती, हमारा तो खेती अंदर सभी हमारा खेती पड़ा हुआ है। अच्छा। तो सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक उसका पहले आना पड़ेगा। ओके। जो भी सामान लेके जाएगा एंट्री करेगा बस जाएगा उधर, उस टाइम में आप उधर जाओ जो भी करो आपका मर्जी, बाद में फिर आपस 4 बजे आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे गेट होगा शायद, यहाँ पे उधर 24 नंबर गेट है इधर। अच्छा अच्छा। हाँ उस तरफ से नंबर लगा के आया, ये 24 नंबर गेट है, मतलब उधर का जितना आदमी है सब उस गेट से जाएगा। अच्छा। हाँ उधर का जो आदमी है वो अलग, उधर उस सामने जाएगा तो देखेगा, इधर तो मतलब जितना भी उधर गोल नहीं है किसी का। और 23 नंबर गेट के पास जाएगा तो उसका अंदर में हमारा इंडिया का आदमी है, अभी भी है उसका घर और सब है, वो लोग मतलब एंट्री करके जाएगा, उधर रुकेगा, कोई प्रॉब्लम है तो मतलब इमरजेंसी कुछ है तो रात में भी आ सकता है, नहीं तो रात में नहीं 4 बजे का पहले आना पड़ता है ऐसा। अच्छा अच्छा, 4 बजे पहले। अच्छा और एक चीज़, मतलब जैसे हम लोग का इंडियन का ज़मीन उधर है, हाँ? बांग्लादेश का भी ज़मीन ये साइड में है क्या? नहीं, तो नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा। मतलब उस तरफ वो जो फैंसी है, फैंसी का उस तरफ एक नाला है। हाँ नाला का उस तरफ जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना, हाँ, वो हाँ। लास्ट इंडिया का पेड़ है। अच्छा। उस तरफ का वो बांग्लादेश का है, जितना भी जमीन है सब हमारा जमीन है, बस बांग्लादेश का उधर कुछ नहीं है, बांग्लादेश का उस तरफ है बस। अच्छा अच्छा, जैसे कोई जाता है इधर से गेट से, फिर वो जो नदी है वो क्रॉस नहीं करते? नहीं नहीं, नदी क्रॉस उधर तो बीडीआर रहेगा, उधर बीडीआर है, बस नदी क्रॉस करना, क्रॉस करेगा तो बांग्लादेश चला जाएगा। हाँ, नदी को क्रॉस नहीं करना है, ऐसा है। क्रॉस कभी भी मतलब करेगा तो बीजी वाला पकड़ेगा तो बस प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर पकड़ के लेके जाएगा, फ्लैग भी नहीं करेगा, छुड़ेगा, वो बहुत प्रॉब्लम है, उधर नहीं जाना। बीडीआर माने हमारे इंडिया जमन बीएसएफ, बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्स बीडीआर, बीडीआर बीजेपी बोलता है, बीजेपी बीजेपी। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अंकल ये लाइव स्ट्रीम है क्या? नहीं लाइव स्ट्रीम नहीं है। तो क्या है ये? यूट्यूब वीडियो है, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है। आपका चैनल का नाम क्या है? उज्जवल बैकपैकर। हाँ, मेरा यूट्यूब मेरा भी एक चैनल है। ओ तुम्हारा चैनल है, क्या नाम है? मीनाजुल इस्लाम है। मीनाजुल इस्लाम। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं चेक करूंगा। ओके हेलो कर दो। हेलो हेलो कर दो। हाय। अभी हम लोग जिस गांव से जा रहे हैं, इस गांव का नाम है याकूब नगर। अभी आए हैं टी गार्डन पे। त्रिपुरा में टी गार्डन है मुझे पता ही नहीं था, अभी तो यहाँ पे लेके आया है, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता, मैंने कहीं पे देखा नहीं कि त्रिपुरा में टी गार्डन है। असम में टी गार्डन है, दार्जिलिंग में टी गार्डन है, केरल में टी गार्डन देखा है, लेकिन त्रिपुरा में टी गार्डन है ये मुझे पता नहीं था। तो ये देखो टी गार्डन, खूबसूरत टी गार्डन, ज़्यादा बड़ा एरिया में नहीं है टी गार्डन, लेकिन छोटा सा एरिया में टी गार्डन है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। अभी सनसेट हो रहा है देखो, ऑसम व्यू है।
एक्चुअली टी गार्डन बांग्लादेश बॉर्डर के एकदम पास में ही है, क्योंकि 2-3 मिनट हम लोग बाइक से आए और ये टी गार्डन देखने को मिला, तो ये बांग्लादेश बॉर्डर के नज़दीक ही है। मुझे लग रहा है कि मैं केरल आ चुका हूँ। केरल में जैसे मैंने टी गार्डन देखा था एकदम ग्रीन एकदम, यहाँ के मुझे ऐसे ही फीलिंग्स आ रहा है। त्रिपुरा में ऐसा व्यू मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे टी गार्डन इतना सुंदर होगा। आप लोग यहाँ पे आ सकते हो और इस व्यू को एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे बैठ के दोस्तों के साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये जो छोटा लीव्स है इसको ऐसे प्लग कर दे और बाद में इससे ही टी बनता है। टी बनता है तो ये त्रिपुरा टी है, ये लोकल है क्या? ये यहीं पे बनता है? हाँ, ये इधर यहाँ पे बनता है, फैक्ट्री वगैरह आसपास नहीं है। अच्छा अच्छा, तो गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही और आप लोगों से मिलते हैं कल। चलो बाय।